नमस्कार दोस्तों, मैं जीतू और मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीतू रिवोल्यूशनरी फार्मर में। तो जब आज से 7-8 साल पहले जब 25 लाख की मुर्रा पशुधन की लक्ष्मी नाम की भैंस जब हरियाणा से सेल होकर के आंध्र प्रदेश के लिए रवाना हुई थी, तब शायद ही किसी ने सोचा था कि इनके जो अगले लक्ष्मी के जो अगले मालिक हैं उनकी क्या कुछ दूरदृष्टिता इस नस्ल के विकास में है। तो ये यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं ABC सीमन बैंक, जो कि जिनके मालिक हैं राजीव सरपंच सर और अरुण कुमार सर, दोनों के द्वारा को ओन्ड है। तो उन्होंने आंध्रा, जो कि मुर्रा पशुधन का दूसरा अच्छा उभरता हुआ एक राज्य है, वहाँ पर देख सकते हैं एक से बढ़कर एक श्रेष्ठ जो मुर्रा नस्ल के जो सांड यहाँ पर विकसित किए हैं, अपना खुद का एक अपने व्यक्तिगत स्तर पर जो इतना शानदार एक सीमन बैंक जो उन्होंने व्यक्तिगत स्तर पर जो खड़ा करके दिखाया है, ये काफ़ी सराहनीय है। तो भीष्म, चंतन, द्रोण, परीक्षित, इस तरह तमाम श्रेष्ठ जो मुर्रा नस्ल के सांड हैं वो यहाँ पर तैयार किए गए हैं। 25 लाख की जो लक्ष्मी भैंस थी उसका भी एक कटड़ा जो कि आज सांड बन करके और सीमन दे रहा है, और साधारण किसानों का जो पशुधन है उसके विकास में अपनी भूमिका जो निभा रहे हैं। तो इस सीमन बैंक को डिटेल में यहाँ पर कवर करेंगे। और ये देखें, हाइजीन काफ़ी अच्छी मेंटेन यहाँ पर की गई है। तो अंत में इस वीडियो के आखिर में एक आम किसान किस तरह से इन श्रेष्ठ सांडों का सीमन अपने पशुधन के लिए प्राप्त कर सकता है। यहाँ पर जितने भी बुल हैं मदर और फादर साइड से दोनों ही दुरुस्त हैं और दोनों ही तरफ से तकरीबन 24-25 लीटर प्रतिदिन का दूध उत्पादन क्षमता देखकर ही इनको इस सीमन बैंक के लिए अच्छा जो मुर्रा नस्ल का सांड है वो तैयार किया गया है। 020171, तो ये नंबर नोट कर लिया आपने, फिर उसके बाद इसी को यूज़ करोगे आप सीमन के ऊपर, ठीक है। तो ये प्रक्रिया है। ओके ओके, सब बात अच्छा अच्छा, स्कैन कर लेते हैं आप, उसके बाद फिर नाम नंबर सब कुछ आ जाता है। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। तो एक बुल को यहाँ पर देख सकते हैं, डमी और एप्रन। अब जो कंप्लीट प्रोसीजर है उसको मैं एक बार आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि प्रिंट रहता ये प्रिंट में उसका नाम, एक सेकंड ज़ूम करके दिखाना चाहूँगा। ये देखें, ये जो इनका प्रोसीजर है वही टैग नंबर वही नाम, आप ये देखें। ओके, टैग नंबर के साथ आपने इसको अंदर वाली विंडो में दे दिया। ये पास पास, ठीक है। तो अंदर क्या प्रोसीजर रहेगा? अंदर और सेमन कई सारे टेस्टिंग मिशन में टेस्टिंग करता, ठीक है। और 80% 70% अबो मोर्टिटी आए तो कंसंट्रेशन, ओके, पैकिंग हो जाता। ओके, अक्सर सीमन जो बैंक होते हैं उसका क्या कुछ रिजल्ट है वो इस चीज़ के ऊपर निर्भर करता है कि उसकी लैब कैसी है, उसकी लैब किस स्टैंडर्ड की है। तो यहाँ पर देखें जो इनकी वेशभूषा है, पूरा ऊपर से लेकर के नीचे तक जो ढके हुए हैं, सिर को प्रॉपरली कवर किया गया है, यहाँ के एटमोसफेयर को एक एंटी बैक्टीरियल वाली गैस से इसको पूरा फ्यूमिगेट किया गया है। और ये देखें स्टेजेस, माइक्रोस्कोप यहाँ पर देख सकते हैं, डाइल्यूशन की स्टेज यहाँ पर देख सकते हैं, और नीट एंड क्लीन। ये देखें, हाइजीन मैटर बहुत ज़्यादा करता है। तो यहाँ पर अंतिम जो स्टेज है वो ये देखें, यहाँ पर सील किया जा रहा है सीमन को। तो बारकोड स्कैन कर लिया आपने, कौन से बुल का है दिखाएं? अर्जुन बुल का है, दिखाएं, बस आपने हाथ में ही दिखाएं। हाँ ठीक है, ये देखें जो लेबल आईडी है, बुल की जो आईडी है, बुल का जो नाम है, बैच नंबर जो है, वॉल्यूम ऑफ सीमन इसने कितना दिया, कंसंट्रेशन उसकी कितनी है,
और टोटल एक्सट्रैक्टेड वॉल्यूम कितनी है, मोटिलिटी कितनी देखने को मिली, ये तमाम चीजें हमें देखने को मिल रही है। अभी जो सीमन स्ट्रो जितने बनेंगे वो भी इसी में आ जाएगा, सीमन स्ट्रो नंबर ऑफ सीमन स्ट्रो, ओके नंबर ऑफ प्रोसेस डोजेस अप्रोक्सीमेटली 162। तो ये एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से पूरा रिकॉर्ड जो इन्होंने रखने का ये प्रयास जो इनका है अति सराहनीय। तो किसानों को मैं एक छोटी सी चीज जरूर यहाँ पर समझाना जरूर चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि ये जो स्पर्म है, ये शुक्राणु है, इन्हीं में से कोई एक शुक्राणु जाकर के आपकी उस भैंस को या उस गोधन को गर्भवती करता है। एक की ही जरूरत है, ज्यादा की जरूरत इसमें नहीं होती है। तो ये देखें कितनी तेजी से ये जो भाग रहे हैं, ये इसमें जरूर हो, इसी को मोबिलिटी कहा जाता है। और ये देखें इनमें, ये देखें ये जो है इस तरह के ज्यादा ना हो, कुछ मिल सकते हैं इस तरह का, जो अगर इसमें ज्यादा होते तो फिर इस सैंपल को डाउन करना पड़ता है। ये इसके हेड है और ये इसकी टेल है, ये देखें ये टेल इस तरह से हिलती है और इसी से इसको प्रोपेल करती है, आगे की तरफ पुश करती है। तो ये देखें काफी एक्टिव हमें देखने को मिले, तो काफी अच्छा, ये देखें ठीक है। ठीक है, प्रिंटिंग मशीन, तो यहां से सीमन स्ट्रो के अंदर सील हो जाने के बाद उसको प्रिंटिंग मशीन पर लाया जाता है, जहां पर इसको तमाम तरह की मार्किंग की जाएगी, कौन से सांड का है, क्या बारकोड नंबर है, वो सारी डिटेल इस प्रिंटर पर भी डाटा जो फीड किया जाएगा। ये देखें अर्जुन बुल, ठीक है डन। ये देखें आप, ये देखें मशीनें काफ़ी लागत की हैं इसलिए काम को काफ़ी सरल बना देती हैं। ये देखें इससे जो सिलेक्शन, वो जो सैंपल आया यहाँ पर 4 डिग्री सेल्सियस पर इसमें रहेगा 3 घंटे तक, 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर यहाँ पर रहने के बाद फिर वो इस मशीन में आता है 7 से लेकर के 10 मिनट तक, यहाँ पर -140 डिग्री सेल्सियस मतलब 0 से 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नीचे 7 से लेकर के 10 मिनट तक यहाँ पर रहेगा, और उसके बाद यहाँ पर -196 डिग्री कितने देर तक, 12 आवर्स अच्छा दिस इज स्टोरेज, फिर उसके बाद -196 डिग्री सेल्सियस 0 से 196 कम। ये देखें आप, आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, ठंडा इतना ज़्यादा है, ठीक है ढक दें, और इसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूशन के लिए निकल जाता है। तो ये तो ABC सीमन बैंक वेरावली, राजीव सर का विद कोलैबोरेशन विद अरुण कुमार सर, उन दोनों ने जो एक प्रयास किया है कि आंध्र प्रदेश में एक ऐसा सीमन बैंक जो खड़ा करके दिखाया है, जिनमें मुर्रा नस्ल का आगे प्रचार हो, आगे उनकी नस्ल में संवर्धन हो, जिस प्रकार से देसी गोवंश के प्रति स्वामी चिन्मयानंद जी ने एक अच्छा प्रयास किया है, समाज उनका आभारी रहेगा, उसी प्रकार से मुर्रा पशुधन का एक व्यक्तिगत तौर पर जो सिलेक्शन चयन किया है, काफ़ी अच्छी पेडिग्री है। ये देखें आप, इसी बुल का अगर हम उदाहरण लें, भीम नाम का ये सांड है, और ये देखें आप काफ़ी अच्छा मदर साइड से भी और फादर साइड से भी काफ़ी अच्छा दूध का रिकॉर्ड है। तो ऐसे पेडिग्री जिनकी अच्छी है उन बुलों का चयन किया है, और यहाँ पर रोहतक में डॉक्टर अशोक सर हैं, एक बार हाथ हिला करके अभिनंदन जरूर करें, और यहाँ पर
अजय लंबड़दार सर, ये देखिए इनके ऊपर उन्होंने भरोसा किया है कि जो भी सीमन उपलब्ध कराएंगे नॉर्थ इंडिया में, उत्तरी भारत में, वो इनके माध्यम से कराएंगे, तो ये एक उनका मेन डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर जरूर है। अशोक सर नमस्कार। नमस्कार जीतू भाई। नमस्कार सर। तो सर बताएं कि काफी अच्छा आपके पास स्टॉक आया हुआ है, कितने सीमन अभी नंबर में, क्वांटिटी में अभी आपके पास 10,000 5,000 कितने होंगे? जीतू भाई मेरे पास अभी लगभग 30,000 डोज आई है। 30,000 आई है, ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया। वोरावली से जो सीमन आया है उन मैं आपको दिखाना चाहूंगा। हाँ, दिखा, कि दो कैटेगरी में रखा गया है सभी गुलों को, ठीक है। एक गोल्ड की कैटेगरी है, एक प्रीमियम कैटेगरी है। प्रीमियम कैटेगरी, गोल्ड कैटेगरी में जो बुल आते हैं उनका रेट हमने ₹50 फिक्स किया है और प्रीमियम का ₹150 फिक्स किया है। ₹150 फिक्स। और जो ये स्टॉकिस्ट वगैरह को जो इसमें कुछ डिस्काउंट हो जाएगा, कुछ डिस्काउंट। हाँ, क्योंकि वो ये, बल्क में लेते हाँ, हैं। वोरावली से सीधा सीमन अपने ही पास आता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बताएं। हाँ, इसमें गोल्ड की कैटेगरी में भीमबुल को रखा गया है। भीमबुल जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, HLDB के 70577 का बेटा है भीमबुल। इसका रिकॉर्ड भी लगभग 5,000 लीटर है। 5,000। इसकी फादर मदर का बढ़िया रिकॉर्ड है। बहुत बढ़िया। ये अर्जुन बुल है। उसके बाद ये देखे मैं और थोड़ा कैमरे को पास लंबाई चौड़ाई, ये देखे नस्ल की शुद्धता काफी अच्छी। हाँ। ये और ये 10/51/77 का बेटा है HLDB बुल का, ठीक है। और ये रिकॉर्ड, ये मदर के फादर और मदर का भी अच्छा रिकॉर्ड है, लगभग 4500। बहुत बढ़िया। ये भारत बुल है, ये बुल अपने ही गांव से गया था। अच्छा। सिंगवा खास से ही। इसकी ये M154 का बेटा है, ठीक है। इसकी माँ जो थी वो मुक्सर पंजाब में फर्स्ट आई। बहुत बढ़िया। NDRI करनाल फर्स्ट आई, RCIRB फर्स्ट आई, मिल कंपटीशन। मिल कंपटीशन, ऐसा कोई कंपटीशन नहीं छोड़ा जिस इसकी मां ने जीता नहीं। भरत इसका नामकरण किया गया है। दूध उत्पादन क्षमता देखें, मां की तरफ से ये है और बाप की मां। सायर्स डैम 4400। ये जिस पर गोल्ड लिखा हुआ है ये सारे ₹50 की कैटेगरी में, सिर्फ मात्र ₹50 में। अगला दिखाएं धर्मा। उसके बाद ये देखें धर्मा नाम का जो मुर्रा नस्ल का सांड है, ये देखें। ये PC-127 का बेटा है। PC-127 और ये देखें आप 4000+ माँ का और बाप की माँ का। ये देख लें आप। अभिमन्यु प्रीमियम क्वालिटी में इसका रखा गया है सीमन, ₹150 उसकी कीमत रखी गई है। अगर अच्छी कटड़ी आती है तो किसान के लिए 150 कोई बहुत ज्यादा नहीं। नरेंद्र सेक्टरी के पास थी इसकी माँ। ये देखें माँ की जो दूध उत्पादन क्षमता 5,780। ये तो ये काफ़ी अच्छी पहल। मैं वेरावली सर, वेरावली से जो राजीव सर हैं उनकी मैं बताना चाहूँगा कि बुल को ज़रूर यहाँ पर दिखाया गया है। HLDB के जितने भी बुल हैं उनको अगर हम इस तरह से देख पाते तो अच्छी, ये सुल्तान का अच्छा बच्चा है। अच्छा हम सिलेक्शन और अच्छा कर पाते, लेकिन ABC सीमन बैंक का काफ़ी अच्छा। धोलू इसका नामकरण किया गया है, 4472 माँ की दूध क्षमता और बाप की माँ की 4000। ये सूरवीर, ये देखें सूरवीर खली का बेटा है। ये खली जो बुल है पंजाब में काफ़ी नामी गिरामी बुल है, उसी का बेटा है सूरवीर। प्रीमियम ₹150 में इसके सीमन को रखा गया है। आप यहाँ पर देखें माँ का दूध उत्पादन क्षमता 5,400 और पीक लेवल पर 26 किलो सांड की। इसके बाप की माँ का ये देखें 26 किलो प्रतिदिन फतेहगढ़ साहिब पंजाब। और इसका इसके सूरवीर के, भीम के और अर्जुन, ये जो दो चार बुल थे उनके काफ़ी अच्छे रिजल्ट भी हमें जब वेरावली में जब ये रुस्तम के फार्म को कवर किया था, राजीव सर के फार्म को किया था, फर्स्ट टाइमर जोटी थी वहां पर मेरे ख्याल से 18-19-20 लीटर। हाँ। काफी देरी थी, ठीक है। ये रुस्तम योगराज का करमबीर सुनारिया वाले के पास है, योगराज जिसके भी काफी अच्छे रिजल्ट आए थे, वो उसका बेटा है। गोल्ड कैटेगरी में, गोल्ड कैटेगरी में इसको रखा गया है। इसकी माँ पीक लेवल पर 26 लीटर दूध, ठीक है। बाप की माँ, ये शेरू बुल उमरा से खरीदा था ये राजीव सरपंच ने। और माँ का जो उच्चतम दूध उत्पादन 4,800, बाप की माँ का जो उच्चतम दूध उत्पादन 4,480। और नस्ल की शुद्धता आप खुद, ये इस बुल की लंबाई चौड़ाई बहुत ज्यादा है, इसके मुकाबले में शायद ही कोई बुल होगा लंबाई चौड़ाई के मामले में। और सम्राट बुल को यहाँ पर देख सकते हैं, ये भी एक और उच्च कोटि का बुल, गोल्ड कैटेगरी में मात्र ₹50 इसके सीमन और 4492 और 4251, ये इसकी बाप की माँ का दूध उत्पादन। देखें ये विराट,
तो बाप और माँ दोनों तरफ से जब ये दुरुस्त हैं तभी इन कटड़ों को खरीदा गया, ठीक है। उसके बाद इसके बारे में जानकारी दें सर, विराट नाम का सांड है, विराट ये गोल्ड कैटेगरी में रखा गया है, 50 रुपए, हाँ ये 4775, इनकी माँ का रिकॉर्ड 4480 इसके फादर फादर साइड से, ठीक है, फादर की माँ का। अगला विकास बुल, विकास नामकरण किया गया है, ये M154 HLDB बुल का बेटा है, ठीक है, 5034 इसकी माँ का रिकॉर्ड है, 4400 इसके फादर का, फादर साइड। टिप्पू बुल, टिप्पू गोल्ड, M29 का बेटा है, M29 का बेटा है, ये देखिए फादर साइड M29 4700, माँ का दूध उत्पादन क्षमता 4700, 4700, फादर का 4662, 4662। अगला दिखाए, ये देखें शंकर टू, ये राका बुल जो पंजाब में चैंपियन हुआ था, आंध्रा में इसका नाम राजू रखा गया, ये 5000+ का बुल है, इसको भी हमने साइड भी 5000 और फादर साइड की माँ भी 5000, इसको भी गोल्ड कैटेगरी में रखा गया है, ताकि किसानों को ज्यादा पैसे न खर्च करके अपना अच्छा सीमन कम रेट में उपलब्ध हो सके। सौरव ये भी राका बुल का बेटा है, 5400 इसकी माँ का रिकॉर्ड था, 5000+ इसके फादर का, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये द्रोणा बुल है, सिंगवा खास से जो लक्ष्मी भैंस 25 लाख रुपए की बिकी थी, उसी भैंस का बेटा है, और इसका बाप राजू जो पंजाब में चैंपियन हुआ जिसे राका कहते हैं उसी का है, 6330 305 दिन का इसका रिकॉर्ड है, ठीक है। तो सिंगवा खास जो एकदम लाइमलाइट में आया था जब 25 लाख की भैंस लक्ष्मी भैंस यहां से बिकी थी, हाँ इसकी पैदाइश वहां पर आंध्रा राजीव सर के फार्म पर हुई है, बहुत बढ़िया, लक्ष्मी का कपूर सिंह की ये भैंस थी जो 25 लाख की थी, सिंगवा खास से। भीष्मा इसकी मदर को राजीव सरपंच ने कुंगड़ से खरीदा था, कुंगड़ भिवानी से, इसने आंध्रा में सबसे ज्यादा 30 लीटर दूध दिया था, ठीक है, हाँ 6550 का इसका 305 दिन का रिकॉर्ड है, ये भी राजू बुल राका उसका बेटा है, उसका बेटा, हाँ ठीक है। भीष्म द्रोणा और भीम, ये प्रीमियम बुल, काफी अच्छे ये बुल है, ये देखें राजू बुल है, राजू टू इसका नाम रखा गया है, फादर साइड से अगेन राका का बेटा है जिसको राजू पुकारा जाता था, 6070 माँ की दूध उत्पादन क्षमता और बाप की माँ की 5040। और ये देखें चंतन, काफी चंतन। अच्छा ये देखें युवा बुल है, खिंचे हुए शरीर के साथ ऊंची कद काठी और काफी सुंदर इसकी कटड़ी हमने राजीव सर के फार्म पर देखी थी, 5700 इसकी माँ का दूध उत्पादन क्षमता, बाप की माँ का 5040, अगेन राजू का बेटा। ये देखिए सुथानु बताएं इसके बारे में, ये भी राजू का बेटा है, इसको प्रीमियम कैटेगरी में रखा गया है, 5466 लीटर इसकी माँ का दूध, ठीक है, और फादर का 5040। उसके बाद ये जो बुल है डी ये रुस्तम गतोली का बेटा है, ठीक है, 4880 इसकी माँ का, 4800 रुस्तम का, ठीक है, बहुत बढ़िया। कुरु ये भी राजू का बेटा, प्रीमियम कैटेगरी में, पी स्टैंड्स फॉर प्रीमियम कैटेगरी में रखा गया है, मात्र 150 रुपए में, 5578 इसकी माँ, काफी अच्छा, ये देखिए 5000+ 5000+ मनु अगेन गोल्ड कैटेगरी में, M29 का बेटा, M29 फादर साइड 4900 तकरीबन 5000 के आसपास, 4662। और उसके बाद देखिए सोनू नाम का जो बुल है, ये भीम बुल का बेटा है, ये भीम का बेटा है, आप ये देखें शुरुआत में नंबर एक पर जो भीम था दिखाएं, ये देखें भीम बुल, ये जो भीम जो बुल था उसी के कटड़े वहां पर तैयार कर लिए गए हैं, ठीक है, निकालें वो पेज, ये देखें भीम का बेटा है सोनू, गोल्ड कैटेगरी में 50 रुपीज इसके प्राइस की वो है कीमत, और ये परीक्षित प्रीमियम क्वालिटी में 150 रुपये, राजू 6550 लीटर इसकी माँ का, राजू का बेटा, 6500, ये देखिए परीक्षित। और उसके बाद अंत में जो बुल प्रसन्ना है, प्रसन्ना और माँ का दूध 4000+ फादर की माँ का दूध 4500। ये सभी बुलों की इस डायरेक्टरी में या इस पैम्फलेट में कहें काफी अच्छा रिकॉर्ड बताया गया है, जो भी किसान इनके पास आते हैं, जो भी देखना चाहते हैं बुल का रिकॉर्ड के बारे में डिटेल में जानकारी चाहते हैं, तो वो विद फोटो खींच करके ले जाएं और अपने पशुधन को, मुर्रा पशुधन को इनसे प्रेग्नेंट करवा सकते हैं। तो मैं आपका नंबर जानना चाहूँगा, आपने डोज कितनी बताई? लगभग 30,000 डोज अवेलेबल है जीतू भाई, 30,000, हाँ सभी बुलों की, हाँ सभी बुलों के इंटरवल पर आपके पास आती रहती हैं ये
जब माल थोड़ा कम लगता है, वह माल कम रह गया तो अगला ऑर्डर डाल दिया जाता है। क्यों ये तो किसान इसकी तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, इनका रिजल्ट बहुत बढ़िया मिल रहा है भाई साहब। भैंस गाभिन बहुत जल्दी ठहर जाती है क्योंकि अच्छी क्वालिटी में आता है, सीधा अपने पास आता है और यहाँ से ही ना। तो इसमें आजकल है ना सीमन की बहुत डुप्लीकेटी मार्केटिंग हो रही है, कोई भी अच्छा बुल मार्केट में आ रहा है उसका नकली सीमन बहुत चल रहा है, बहुत ज़्यादा चल। हाँ, लेकिन हम आपको आपके तहत जीतू भाई सभी लोगों को यह भरोसा दिलाना चाहते हैं कि यहाँ से कोई भी डुप्लीकेटी नहीं होगी, बिल्कुल किसानों को अच्छा सीमन मिलेगा, जायज रेट पर मिलेगा, जायज रेट 50 और 150, हाँ दो रेट। आज सरकारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी जब आप सीमन लगवाने जाते हो ना, 30 रुपये तो उस सीमन के भी लगते हैं, हाँ मिनिमम चार्ज है। हाँ, तो 50 रुपये से लेकर 150 रुपये तक। तो ये देखें, युवा साथी हैं और अजय लंबड़दार सर काफी अच्छा पशुधन रखते हैं, जोटी 8-10 लाख बहुत कितने की भी मिल जाओ, कितने की मिल जाए, ठीक है। तो मैं जानना चाहूंगा कि कोई आपसे संपर्क अगर करना चाहे तो किन नंबरों पे संपर्क कर सकता है? 9812698169641 9641 1। तो आपका शुभ नाम है डॉक्टर अशोक कुमार, और अशोक कुमार सर हैं गांव सिंहवा खास हिसार, हिसार में ऑन रोड। हाँ, रोड से मात्र 2-3 किलोमीटर हिसार और रोहतक का जो रोड है, मेन हाईवे जो है, वहाँ से 2-3 किलोमीटर आपका डिस्टेंस है। तो बहुत बढ़िया। तो नॉर्थ इंडिया में तकरीबन कहाँ कहाँ पर मेन आपके सेंटर्स या कहाँ कहाँ पर ज़्यादा जाते हैं वो और बताएं? पंजाब में काफ़ी जा लिया जीतू भाई साहब, पंजाब में। हाँ, अभी राजस्थान की तैयारी हो रही है, राजस्थान में 1-2 डिस्ट्रीब्यूटर से बात हो रही है, दिल्ली में गया है, यूपी में भी 2-3 जगह पर गया है भाई साहब, और अपने हरियाणा में तो लगभग अब जिले वाइज ही सोच रहे हैं हम, जिले वाइज का पता ही। हाँ, अभी चला है, अभी चला। हाँ, तो काफी अच्छा। ये देखिए मुर्रा पशुधन के लिए ये